आज हम समायोजन के बारे में पढ़ेंगे। समायोजन सामाजिक वातावरण में व्यक्ति के सामने कई प्रकार की परिस्थितियां आती रहती हैं। इसके आने पर किस तरह व्यक्ति अपने आप को उन्हें अनुकूल बनाते हुए उन परिस्थितियों को उसमें समायोजन करता है, उसे समायोजन कहते हैं। स्किनर कहता है, समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। दैनिक जीवन में हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हो जाती है जो हमें समायोजन करने के लिए मजबूर करती है। ऐसी परिस्थितियां निम्न प्रकार की होती है जिसे हम देखेंगे। पहली तनाव, दूसरी दबाव, तीसरी दुश्चिंता, चौथी द्वंद्व, पांचवी कुंठा और भग्नाशा। इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तनाव, तनाव जिसे हम टेंशन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं करता है और जब कार्य या काम का समय नजदीक आ जाता है तो उसे क्या होता है, तनाव महसूस होता है। तो तनाव किसी व्यक्ति में क्रोध को जन्म देता है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, तनाव किसको जन्म देता है, क्रोध को जन्म देता है। दूसरी दबाव, दबाव मतलब स्ट्रेस। जब एक व्यक्ति अपने किसी कार्य के परिणामों को लेकर सोचता है और उसके कारणों से उसके मन मस्तिष्क में कुछ भयभीत होता है या उसे दबाव महसूस होता है और जो बाहरी वातावरण से जो उसे दबाव मिलता है उसके कारण क्या होता है कि उस व्यक्ति में उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता है, तो ऐसी परिस्थिति को दबाव कहते हैं, स्ट्रेस जो बाहरी वातावरण की वजह से आता है। तीसरा जो होता है, दुश्चिंता, जिसका कोई फायदा नहीं होता। जब एक व्यक्ति किसी ऐसी चिंता का शिकार हो जाता है जिसको करने में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है उसे दुश्चिंता कहते हैं। और दुश्चिंता में क्या होता है, दूरियां कम करने का प्रयास करता है व्यक्ति। चौथा द्वंद्व, द्वंद मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है कि जब एक व्यक्ति को दो अलग अलग परिस्थितियों में उलझ जाता है व्यक्ति, तो उसके सामने क्या होता है कि वो निर्णय नहीं ले पाता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मानसिक संघर्ष बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में। पांचवा है कुंठा या भग्नाश। यह ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति किसी कार्य को लेकर यह सोचता है कि यह कार्य अवश्य पूरा होगा और जब उसकी आशा टूट जाती है तो उस व्यक्ति में भग्नाशा की स्थिति पैदा हो जाती है। यह व्यक्ति दुखी हो जाता है और अपने भाग्य को दोष देने लग जाता है और कुंठा और भग्नाशा उसमें पैदा हो जाता है। दैनिक जीवन में यदि व्यक्ति इन सब परिस्थितियों के समय समायोजन नहीं कर पाता है तो वो कुसमायोजित हो जाता है, मनोरोगी भी हो सकता है व्यक्ति। इसके लिए वैज्ञानिकों ने समायोजन के कुछ उपाय बताए हैं, वह देखेंगे, जिसे समायोजन तंत्र भी कहते हैं, समायोजन उपाय भी बोल सकते हैं। और ये चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष उपाय, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष उपाय, तीसरा होता है क्षतिपूर्वक उपाय और चौथा होता है आक्रात्मक उपाय। इसे एक एक करके पढ़ेंगे हम। प्रत्यक्ष उपाय, इसमें क्या होता है, वे उपाय कह सकते हैं प्रत्यक्ष उपाय को, जब व्यक्ति को जब कोई उपाय करता है तो दूसरे व्यक्ति को वो नहीं बताता लेकिन तो भी उसे पता चल जाता है उस उपाय के बारे में, उसे प्रत्यक्ष उपाय कहते हैं। जैसे बाधा निवारण है, बाधा निवारण में जैसे हम कह सकते हैं एक व्यक्ति को जब यह लगता है कि उसके कार्य में कोई बाधा आ रही है तो वो उस बाधा को या रुकावट को दूर करने के लिए कोई उपाय काम में लेता है, उसे बाधा निवारण कहते हैं। जैसे वो काला टीका कह सकते हैं हम, जूता लटकाना, नींबू मिर्ची लटकाना, हम किसी को नहीं बताते हैं तो भी उसे पता चल जाता है, उसे कहते हैं बाधा निवारण। सेकंड होता है मार्ग परिवर्तन। मार्ग परिवर्तन में क्या होता है, एक व्यक्ति जब किसी कार्य एक क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है तो वो क्या करता है कि दूसरे क्षेत्र को अपना लेता है और उसमें सफल हो जाता है। जैसे कि सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति जो है स्वाध्याय करता है लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करता है कि किसी प्रतियोगिता या कोचिंग को ज्वाइन करके सफलता प्राप्त कर लेता है, मतलब अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेता है, उसे मार्ग परिवर्तन कहते हैं। लक्ष्य प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, लक्ष्य प्रतिस्थापन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति का अगर लक्ष्य बड़ा है तो वो अपने लक्ष्य को क्या कर लेता है, छोटा कर लेता है। इसमें मार्ग परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ जो उसका लक्ष्य है उसको छोटा कर लेता है। जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे, एक प्रतियोगी या कोई एक व्यक्ति आईएएस की परीक्षा देता है और उसमें सफल नहीं हो पाता तो वो आरएस बन जाता है। निष्कर्ष या निर्णय, यह उपाय एक व्यक्ति केवल उसी समय काम में लेता है जब उसके सामने दोहरी परिस्थिति आ जाती है या हम कह सकते हैं द्वंद्व की स्थिति आ जाती है और उसमें मानसिक संघर्ष बढ़ जाता है। इसमें कह सकते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति है कोई परीक्षा देना चाहता है
तो उसके सामने पटवारी की परीक्षा है और शिक्षक की परीक्षा है, तो वो यह फैसला नहीं कर पाता है कि वो कौन सी परीक्षा दे। बी अप्रत्यक्ष उपाय, इसमें आता है जैसे दमन। दमन में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा को दबा के कोई कार्य करता है और समायोजन करता है, उसे दमन की स्थिति कहते हैं। सेकेंड होता है नकारना। नकारना में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब स्वयं अपने आप को किसी कार्य या किसी वस्तु या पद के योग्य नहीं समझता है तो उसे नकारना समायोजन कहते हैं। शोधन, मार्गांतिकरण और उदातीकरण, इसमें क्या होता है जैसे समाज में प्रचलित कोई परंपराएं होती है, जब व्यक्ति को वो पसंद नहीं होती है तो वह उसमें बदलाव करके नवीन परिस्थितियां पैदा करता है, उसे शोधन, मार्गांतिकरण और उदातीकरण कहते हैं। प्रत्यावर्तन, इसमें क्या होता है जैसे वर्तमान की परेशानी के कारण वह दुखी होकर भूतकाल में जाकर जो व्यवहार करता है उसे प्रत्यावर्तन कहते हैं। जैसे कोई व्यसक व्यक्ति अपने भूतकाल में जाकर बच्चों की तरह रोने लग जाता है, उसे प्रत्यावर्तन कहते हैं। प्रत्यागमन या पलायन, इसमें व्यक्ति जो होता है एक परिस्थिति के कारण वर्तमान स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर गमन कर जाता है, जैसे हम गांवों में देखते हैं गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। आत्मीकरण और तादात्मीकरण, किसी एक क्षेत्र में अगर व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़कर बताना शुरू कर देता है जो पहले तो असफल था परंतु आज वह सफल है। नेक्स्ट प्रक्षेपण, प्रक्षेपण मतलब होता है कोई व्यक्ति जब अपनी गलती दूसरों पर मढ़ देता है तो उसे प्रक्षेपण कहते हैं। औचित्य स्थापन, युक्तिकरण, इसमें होता है जब कोई व्यक्ति अपने मान सम्मान को लेकर प्रयास करता है कि उसे कोई ठेस ना पहुंचे और उसे कोई चीज हासिल नहीं होती है तो वो उसी चीज में खोट निकालने की कोशिश करता है। जैसे लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो कहती है अंगूर खट्टे हैं। नेक्स्ट विस्थापन, विस्थापन में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका कोई मन मुटाव हो जाता है तो वो क्या कुछ समय के लिए उससे बातचीत करना बंद कर देता है और उनमें क्या होती है आपसी दूरियां बढ़ जाती है तो उसे विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट अन्यानरोपण, अन्यानरोपण में क्या होता है जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ इतना अधिक प्रेम या स्नेह करने लग जाता है तो उसकी याद में या उसकी अनुपस्थिति में वह उसकी वस्तुओं के साथ प्रेम को दर्शाता है, उसे अन्यानरोपण कहते हैं। प्रतिक्रिया निर्माण या मनोरचन, मनोरचन उस व्यक्ति को कहते हैं जो दिखावटी व्यवहार करता है, जैसे कह सकते हैं बगुला भगत, दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न में जब किसी पद या वस्तु को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो तो व्यक्ति यह क्या करता है कल्पना करता है और कल्पना मात्र से ही आनंद की प्राप्ति करता है, उसे दीवा स्वप्न कहते हैं। सी क्षतिपूरक उपाय, फर्स्ट प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय क्या होता है उसे समझेंगे। जब किसी क्षेत्र की कमी उसी क्षेत्र से पूरा करना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बालक गणित में कमजोर है तो वो गणित में अच्छी मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करता है तो उसे प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहते हैं। अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कैसे कहेंगे, जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में कमजोर होता है और वह अन्य क्षेत्र में से उसकी कमजोरी को दूर करता है तो उसे अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा गणित में कमजोर है तो वो अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त करके अपने अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है तो उसे अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय कहते हैं। बी आक्रात्मक उपाय, पहला प्रत्यक्ष आक्रात्मक उपाय किसे कहते हैं, जिस परिस्थिति ने क्रोध अगर उसे दिलाया है तो उसी पर उसको उतारना और अपने मन को शांत करना उसे प्रत्यक्ष आक्रात्मक उपाय कहते हैं। अप्रत्यक्ष आक्रात्मक उपाय उसे कहते हैं कि जिस परिस्थिति के कारण उसमें क्रोध पैदा होता है बालक या व्यक्ति में उसका मुकाबला करने की उसमें कोई हिम्मत नहीं होती है और वह अपना क्रोध किसी दूसरी परिस्थिति पे उतारता है तो उसे अप्रत्यक्ष आक्रात्मक उपाय कहते हैं।